बहुत समय पहले की बात है, नीमा अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। नीमा दिखने में बड़ी काली और जरा भी सुंदर नहीं थी, जिस वजह से कोई भी उससे शादी करने के लिए हामी नहीं भरता था। नीमा के माँ बाप काफी बूढ़े हो गए थे और उनको हर वक्त नीमा की शादी की चिंता सताए रहती थी। एक दिन जब तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो नीमा के बाबूजी उससे बोलते हैं, नीमा बेटी, तुम्हारे लिए तुम्हारे चाचा एक रिश्ता बता रहे थे। अरे उस रिश्ते की तो बात ही मत करो तुम, क्या बताने दूँ, वो रिश्ता हमारी बेटी के बिल्कुल भी लायक नहीं है। क्या हुआ माँ? अरे बेटी, वो भी कोई लड़का है, वो तो आदमी है आदमी, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, हम कैसे तुम्हारा रिश्ता तुमसे इतने बड़े आदमी से कर दें? पर ये तो देखो कि लड़के का अच्छा काम है, अपना घर है, और क्या चाहिए, ये कब तक ऐसी गरीबी की जिंदगी जिएगी। ये सुनकर सब चुप रह जाते हैं। नीमा को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, वो उस आदमी से शादी करे या ना करे। पूरी रात उसकी यही सब सोचने में निकल जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी जिंदगी का सवाल है और दूसरी तरफ माँ बाप की इज्जत का, वो भी आखिर कब तक मेरे लिए बाहर वालों के ताने सुनते रहेंगे। नीमा पूरी रात यही सोचती रहती है और सुबह वो अपने माँ बाप के पास आकर उनको शादी के लिए हाँ कर देती है। उसकी माँ इस शादी से जरा भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो जानती है कि उनकी बेटी मजबूरी में आकर शादी के लिए हाँ कर रही है। नीमा थोड़ी उदास होती है और रोज की तरह नौकरी के लिए निकल जाती है। अगले दिन राजन नीमा को देखने आता है। नीमा को देखकर वो तो बस उसे देखता ही रह जाता है। नीमा के माँ बाप को साफ दिख रहा होता है कि वो नीमा के बिल्कुल लायक नहीं है, पर फिर भी वो शादी के लिए राजी होते हैं। नीमा जब राजन को एक नजर उठाकर देखती है तो अंदर ही अंदर रो पड़ती है, पर अपने चेहरे से जरा भी जाहिर नहीं होने देती। बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप नहीं आए? जी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, तो तुम अकेले ही रहते हो? जी नहीं, मेरे साथ मेरे दो बच्चे भी रहते हैं। दो बच्चे? अरे, क्या तुम पहले से शादीशुदा हो? जी, मैंने तो ये बात बाबूजी को बता दी थी। क्या आपने अपने घर में ये बात नहीं बताई? हाँ, वो बस मैंने सोचा कि एक बार तुम दोनों मिल लो तो फिर मैं बता दूंगा। पर ये बात आपको पहले बता देनी चाहिए थी। खैर, जो भी है, मैं ही आपको बता दूं कि मेरी पहली पत्नी एक हादसे में गुजर गई। अब मेरा एक 2 साल और एक 5 साल का बेटा है। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के सहारे निकालने को तैयार हूँ, पर उनको हर दिन अपनी माँ की जरूरत महसूस होती है। मुझे अपने लिए पत्नी नहीं, अपने बच्चों के लिए एक माँ चाहिए। बाकी अभी भी आप और आपकी बेटी शादी से राजी है तो मैं यही कहूँगा कि पूरी जिंदगी वो उस घर में खुश रहेगी और जैसे चाहे वैसे रहे। हाँ, बस बदले में मेरे बच्चों को ढेर सारा प्यार दे दे। आपस में काफी बातचीत होती है। नीमा की माँ शादी के लिए मना कर देती है, पर तभी नीमा बोलती है कि उसे शादी से कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। बस फिर क्या, सब लोग खुशी खुशी शादी की तैयारी में लग जाते हैं। राजन पूरी शादी का खर्चा खुद उठाता है। नीमा की सहेलियाँ घर आ जाती है और रोज नाच गाना करती है। अगले दिन नीमा की हल्दी की रस्म चल ही रही होती है कि अचानक राजन का फोन आ जाता है। राजन नीमा से मिलने के लिए बोलता है, पर नीमा को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो सबसे छुपकर कैसे जाए। शीला, किरण, मुझे उन्होंने मिलने के लिए अभी बुलाया है, मुझे जाना होगा। ओहो, अच्छा, हमारे होने वाले जीजा जी ने। अरे, पर आज तेरी हल्दी है तो तू हल्दी लगवाने के बाद घर से नहीं निकल सकती, पता है ना, भूत चिपक जाते हैं। अरे, ये सब बेकार की बातें हैं और मैं इन सब में यकीन नहीं करती, तो जरूरी काम है वरना वो ऐसे नहीं बुलाते। मैं नहाकर जा रही हूँ और तुम दोनों यह सब संभाल लेना, कोई मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि मैं सो रही हूँ। शीला और किरण नीमा को बहुत रोकती हैं, पर नीमा उनकी एक नहीं सुनती और ऐसे ही चली जाती हैं। राजन उसका एक जगह इंतजार कर रहा होता है। नीमा जाती है तो देखती है राजन के साथ एक बच्ची है जो बहुत रो रही है। अरे, ये बच्ची, और ये रो क्यों रही है? ये मेरी बेटी है पिंकी, पता नहीं आज तुमसे मिलने की जिद कर बैठी और सुबह से रो रही है, बोली जब तक आप मम्मी से मिलवाने नहीं ले जाओगे मैं खाना। पिंकी बेटा, तुम तो अच्छी बच्ची हो ना, देखो ये सब गलत बात है, अभी तुम अच्छे बच्चों की तरह खाना खाओ, फिर तो हम हमेशा साथ ही रहेंगे ना। नीमा पिंकी को बहुत समझाती है और फिर जब पिंकी मान जाती है तो वो अपने पापा के साथ घर चली जाती है। उसके बाद नीमा भी घर जाने लगती है। जैसे ही नीमा एक पीपल के पेड़ के नीचे से होती हुई गुजरती है तो उसके ऊपर लगी हल्दी की खुशबू पेड़ पर बैठी चुड़ैल की नाक तक पहुंच जाती है। अरे वाह, हल्दी की खुशबू, ओहो, अच्छा तो इस लड़की की शादी होने वाली है, अब तो मेरे मजे ही आ गए, मैं तो कुंवारी मरी थी ना, अब इसकी जगह मेरी शादी होगी। उसी वक्त नीमा के शरीर में चुड़ैल घुस जाती है और नीमा को अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसके बाद नीमा को कुछ होश नहीं रहता क्योंकि उसके शरीर पर एक चुड़ैल का कब्जा हो चुका था। नीमा घर पहुंचती है तो आंगन में पैर फैलाकर बैठ जाती है। अरे रीमा,
ये तो बाहर कहाँ से चली आ रही है? तेरी सहेलियाँ तो बोल रही थी कि तू अंदर कमरे में आराम कर रही है। अरे बोल, चुप क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? पागल है क्या? क्यों चिल्ला रही है? चल हट यहाँ से। इतना कहकर नीमा अपने कमरे में चली जाती है। सब लोग नीमा को ऐसे बात करते देखकर हैरान रह जाते हैं। नीमा की माँ और सहेलियों को भी समझ नहीं आता कि आखिर नीमा ऐसी भारी आवाज में क्यों बातें कर रही है। सब लोग मेहंदी की तैयारी में लगे होते हैं और अंदर कमरे में नीमा के शरीर में बैठी वो चुड़ैल मेहंदी के नाम से खुशी से पागल हो रही होती है। अरे वाह, कल तो मेहंदी है, मैं अपने हाथों में मेहंदी लगवाऊंगी। कितना शौक था मुझे मेहंदी लगवाने का, मैं तो पूरे भर भर के हाथों में मेहंदी लगवाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। चुड़ैल खुशी से पागल हो रही होती है। उसे तब यही लगने लगता है कि उसकी शादी हो रही है और वो अपनी शादी के लिए बड़ी ही खुश हो रही होती है। अगले दिन सुबह सुबह नीमा की सहेली शीला और किरण उसके पास आती है और उसे उठाने लगती है। नीमा, अरे नीमा उठो, जल्दी उठो, आज पता है ना तुम्हारी मेहंदी है। इतना कहकर नीमा उछलती कूदती बाहर आंगन में चली जाती है। नीमा पागल पागल हो गई है क्या? तो जब से जीजा जी से मिलकर आई है तब से अजीब अजीब बर्ताव कर रही है। इतने में वहाँ नीमा की माँ आ जाती है और वो नीमा के बर्ताव को लेकर शीला और किरण से पूछने लगती है। पता नहीं आंटी, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा, शायद वो इस शादी से ज्यादा खुश नहीं है इसीलिए ऐसे कर रही है। और वो कल चुप है ना? क्या हुआ, क्यों चुप करा रही हो इसको? अरे आंटी वो कुछ नहीं, कल वो बस ऐसे हमारी उससे कुछ बहस हो गई थी ना, अब सब ठीक है। अच्छा चलो मैं जाती हूँ। नीमा की माँ वहाँ से चली जाती है। तो पागल है क्या, आंटी को बता देती कि नीमा कल जीजा जी से मिलने गई थी, वो भी हल्दी लगवा कर, तो हमें भी अच्छी खासी डांट पड़ती। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। यही तो कभी है तुझमें। क्या चल अब ये केक तैयार हो गया और जाकर नीमा को बुला लेते हैं। शीला नीमा को बुला कर लाती है। शीला और किरण एक दूसरे को देखते हैं और फिर नीमा के एक एक हाथ पर मेहंदी लगाना शुरू कर देते हैं। किरण जैसे ही नीमा के पैरों से स्कर्ट को हटाती है उसके तो होश उड़ जाते हैं। नीमा के पैर उल्टे होते हैं। नीमा अपने दोनों हाथों की मेहंदी देखने में खोई हुई होती है। किरण शीला की तरफ देखती है और उसे इशारा करती है। जब शीला भी नीमा के उल्टे पैर देखती है तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये क्या है? शीला और किरण दोनों वहाँ से उठकर जल्दी से नीमा की माँ के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बेटी तो कल तक बिल्कुल ठीक थी, मेरे सामने सुबह वो अपने पैर भी साफ कर रही थी, तब तो उसके पैर एकदम सही थे। शीला फिर सारी बात नीमा को बताती है कि कैसे कल नीमा हल्दी के बाद जीजा जी से मिलने गई थी। बस फिर नीमा की माँ को जब बात समझ में आ जाती है तो वो जल्दी से पंडित जी के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। बस फिर कल रास्ते से कोई चुड़ैल तुम्हारी बेटी के लग कर आ गई है और अब इसका बस एक ही इलाज है, ये धागा लो और इसके पैरों में पैरों से पहले बांध देना। बस फिर अगले दिन सब अच्छे से शादी की तैयारी हो जाती है और जैसे ही नीमा और राजन मंडप पर बैठते हैं नीमा की माँ नीमा के पैरों में वो काला धागा बांध देती है। धागा बांधते ही चुड़ैल को बेचैनी होने लगती है और उसके शरीर में बड़ी तकलीफ होने लगती है और वो नीमा का शरीर उसी वक्त छोड़ देती है। जैसे ही पंडित जी उस चुड़ैल को बाहर निकलते देखते हैं और उसी वक्त वो उसे एक मटकी में कैद करके मटकी को हवन की आग में रख देते हैं। किसी को कुछ पता भी नहीं चलता और चुड़ैल वहीं भस्म हो जाती है। नीमा की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और वो बड़ी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।